नीमच डाक बंगला के समीप स्थित झोपड़पट्टी निवासरत लोगों ने आवासीय बाजार दर से राशि लेकर आवासीय पट्टे देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि नायब तहसीलदार प्रशस्त सिंह को सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि इंदिरा नगर स्थित डाक बंगले के पीछे राजीव नगर मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल की भूमि पर हम गरीब मजदूर व अल्पसंख्यक परिवार के लोग विगत 50 वर्षों से काबिज हैं एवं शासन द्वारा पट्टे भी दिए गए हैं तथा कथित भूमाफियाओं की नजर उक्त भूमि पर है और हम गरीबों को यहां से हटाए जाने की प्रक्रिया योजनाबद्ध तरीके से की जा रही है। ज्ञापन में झोपड़पट्टी वासियों द्वारा बताया गया कि हम लोग उक्त भूमि का कलेक्टर गाइडलाइन अनुसार किस्तों में भुगतान करने को तैयार हैं। ज्ञापन में मांग की गई है कि डाक बंगले के समीप स्थित उक्त भूमियों पर गाइडलाइन अनुसार किस्तें भुगतान लेकर हमें स्थायी रूप से काबिज किया जाए। सर, हम यहाँ 40-50 साल से निवास करते हैं और इससे पहले हमको शासन द्वारा 2 बार पट्टे दिए गए। अब उसके अलावा भी हम ये लोग सोचते हैं कि वह किस्त जमा करा देंगे, पर कुछ भूमाफियाओं के कारण क्या है कि हमारी बस्ती खाली करवाने की इनकी प्लानिंग है। कल आए भी थे हाउसिंग बोर्ड के कुछ अधिकारी नोटिस लेके, पर हमने उसको अभी स्वीकार नहीं किया और वापस उनको भेजा दिया है। हमारी मांग ये है कि हम इस ज़मीन की कीमत किस्त पे उतार देंगे। हम राजीव नगर डाक बंगले के पास निवास करते हैं। हम 50 घर के लोग हैं और हमें कल नोटिस दिया गया था कि 7 दिन में आपको मतलब खाली करना है। तो हम 50 वर्षों से रह रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे। बोला गया था पहले कि 2.5-2.5 लाख का लोन भी मिलने वाला है 4-5 साल पहले, तो हमें वो कुछ भी नहीं मिला और हमारे लिए ये अधिकारी लोग लिख के ले गए थे। उसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और हमारे लिए कलेक्टर महोदय से गुजारिश है कि हमारे लिए कुछ सोचे। ये डाक बंगले के पास झुग्गी झोपड़ी बस्ती के जो लोग हैं, हाउसिंग बोर्ड के जो मकान हैं उसका सभी रहवासी हैं, उनका हम ज्ञापन लेकर यहाँ हैं, क्योंकि आज 50 सालों से जो निवासरत है और उन्हीं के पास जो बिल्डिंगें झुकी हुई है, उन्हीं भू माफियाओं की नज़र इन गरीब बस्ती वाले के लोगों के ऊपर पड़ी और वो भी इस ज़मीन पर भी अपना कब्जा करना चाहते हैं। तो सभी रहवासी का ये कहना है कि जब हम इतने सालों से हम रह रहे हैं तो हमारे यहाँ से खाली कराने की जो ताबड़तोड़ में इन्होंने जो बनाया है अपना, तो उसके लिए सभी का रहवासी का ये कहना है कि हम हाउसिंग बोर्ड की जो लागत गाइडलाइन है सरकार की वो देने को हम किस्तों में तैयार है। जब आप दूसरे लोगों को जब बिल्डिंगें झुकाने के लिए पैसे दे सकते हो तो हम गरीब लोगों का आशियाना क्यों छुड़ाना चाह रहे हो। जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि 10 साल तक जो आदमी जहां रह रहा वो वहीं काबिज रहे, तो ऐसे मुख्यमंत्री कहां तक वो खरा उतर रहा है कि ये जो रहवासी है इनको खाली कराने की जो आदेश दे रहे हैं जारी कर रहे हैं। तो कलेक्टर साहब से हम यही निवेदन करते हैं कि जो आदमी जहां रह रहा है उसको वहीं रहना दे और शासन की गाइडलाइन को, हाउसिंग बोर्ड की जो भी गाइडलाइन है वो ये सभी किस्तों में देने के लिए तैयार है। ये सभी पैसे दे देंगे और इनको जहां है वहीं निवासरत रहने दे, क्योंकि वैसे ही आवास योजना के लिए हम लोगों ने कितनी बार, कितने लोग आज नगर पालिका के अंदर बरसों से बेचारों की चप्पल घिस गई कि हम आवाज़ देंगे, लेकिन आज दिन तक उनको आशियाना जो सपना था वो नहीं मिला और जो रह रहे हैं उनको भी आप खाली कराना चाह रहे हो, तो इनका कहीं ना कहीं तो आवाज़ का इनको देना पड़ेगा। ये लोग जनता कहाँ जाएगी और किसको बोलेगी। इसलिए हम कलेक्टर महोदय से ये कहना चाहते हैं कि जो आवाज़ जहाँ रह रहे हैं उनको साधारण किस्तों में इनका पैसा लेकर इनको जहाँ रह रहे हैं वहीं रहा जाए, कम से कम 50 परिवार। दोनों के संज्ञान में आज एक बात आई के पिछले कई वर्षों से डाक बंगले के पीछे ये सभी मध्यम वर्ग के लोग, मजदूर वर्ग के लोग निवास बनाकर रह रहे हैं। पूर्व में कांग्रेस शासन में इनको पट्टा भी दिया जा चुका है और उसी पट्टे के आधार पर इन्होंने अपना स्थायी निवास वहां बनाया, पर हमारे जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते, दबाव के चलते कुछ भूमाफियाओं की नज़र उस ज़मीन पर है और उस ज़मीन को हथियाने के लिए इन्होंने प्रशासन पर एवं हाउसिंग बोर्ड पर दबाव बनाया एवं इस ज़मीन को खाली करने का दबाव बनाकर हाउसिंग बोर्ड से इनको एक नोटिस दिया गया। कल तक इन पर, इनके पास जो नोटिस पहुंचा था इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक सपना है कि 2022 तक सबके पास आवास हो,
पर मध्य प्रदेश शासन एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि उस सपने को पूरा ना करते हुए तोड़ना चाहते हैं एवं 2022 में जो प्रधानमंत्री का सपना है उसको पूरा करने की अपेक्षा इन लोगों को बेघर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम आज ये मांग करने आए हैं कि पिछले कई वर्षों से निवासरत ये निम्न तबके के लोग, मजदूर वर्ग के लोगों को, उनको उसी ज़मीन पर काबिज रहने दिया जाए, किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया जाए और ये लोग उस ज़मीन को किश्तों में खरीदने को तैयार हैं। हमारा प्रशासन से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से यही निवेदन है कि इन्हें बेघर ना किया जाए, नहीं तो इस लड़ाई को आगे तक लड़ा जाएगा। नीमच से आसिफ अली की ये रिपोर्ट।